स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट क्लास 8 की। बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ, डेट है 9 जुलाई 2021, वर्कशीट नंबर 1 जो कि बच्चों हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा वर्कशीट दी गई है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। बच्चों आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों? हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बच्चों एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ह्यूमन में क्या क्या आते हैं बच्चों? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सेकंड है बच्चों ह्यूमन मेड, जो कि लोगों द्वारा बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड नेचुरल, जो कि हमें नेचुरल मिला है, प्रकृति से मिला है, वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। ओके, तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गए कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे एनवायरनमेंट के। नंबर 1 ह्यूमन, नंबर 2 ह्यूमन मेड एंड नंबर 3 नेचुरल, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 3 एग्जांपल ईच ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट फ्रॉम योर होम एंड सराउंडिंग्स। तो देखिए बच्चों, आप सभी को एग्जांपल देने हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चों मैंने आपको सभी को बताया, यहाँ पे एयर, लैंड, एंड वाटर, ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं जो कि प्रकृति से हमें मिले हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट कौन कौन से हुए बच्चों? फैमिली, ठीक है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक। आप कोई भी 3 यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं बच्चों? जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं, पार्क्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। गॉट इट, आया सभी को अच्छे से समझ में? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, लिथोस्फेयर बच्चों किसे कहते हैं? यहाँ मैं आप सभी को पहले बता देती हूँ, लैंड। तो देखिए बच्चों, लिथोस्फेयर बच्चों कौन सा हमारा एनवायरनमेंट, मतलब जो है नेचुरल जो है, हम लिथोस्फेयर बोलते हैं लैंड को। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो देखिए बच्चों, लिथोस्फीयर हम किसे कहते हैं? जो कि हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, जंगल, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है एनिमल्स को, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हाँ, खेती के लिए जो लैंड प्रोवाइड करवाता है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट, लोगों को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, जो कि लैंड से रिलेटेड होता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बच्चों किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड हम वो हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। बच्चों आप सभी को पता है, वाटर जो है वो हर एक लिविंग बींग, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, या चाहे वो प्लांट हो, सभी के लिए वाटर कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एटमोसफियर, एयर। द एटमोसफियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। बच्चों आप सभी को पता है एटमोसफियर क्या है? एक थिन लेयर है एयर की, हवा की, जो कि अर्थ के चारों ओर लपटी हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफियर अराउंड इट। और बच्चों जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने एटमोसफियर को पकड़ रखा है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और बच्चों ये हमें हार्मफुल रेज से और जो सन की जो रेज हीट है, उससे हमें बचाता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। बच्चों प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर मीन्स लिविंग थिंग्स और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर,
एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ इंटरेक्ट होते हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है, विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जो हमारी लाइफ है उसे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आया सभी को अच्छे से समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी कॉलम वन एंड कॉलम टू, आपको बच्चों कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बच्चों मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया था तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, बायोस्फीयर है हमारा नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमोसफेयर, एटमोसफेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर एंड एनवायरमेंट आर सराउंडिंग्स। ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में। तो बच्चों इस तरह से आप सभी वीडियो को देखें, समझें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो बच्चों प्लीज़ आप इसे लाइक का बटन दबा करके लाइक करें, सभी इसे शेयर करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।